हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहेगी भैया, रहेगी XUV 300W4 बना जाने वाला, बिल्कुल बेस जस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी रहेगी। गाड़ी लोकल दिल्ली की रहेगी सर, हमारे पास काम हो चुका है। मैं इसका खाली आपको दिखाऊंगा हमने क्या काम किया, क्या भैया का एक्सपीरियंस रहा दो तीन दिन यूज करने के बाद। सबसे पहले जो गाड़ी में काम होता है इसकी महिंद्रा जेन्युइन फॉग लैंप पे रहने वाला, आप देख लो ये जेन्युइन पार्ट रहता है भैया, महिंद्रा का जेन्युइन फॉग लैंप और इसका बेजल रहने वाले, साथ में इसका ये ढक्कन भी रहेगा, वो भी महिंद्रा जेन्युइन ही रहेगा। फ्रंट पे जो गाड़ी में काम होता है इसकी फॉगलेट पे रहेगा, जो कि महिंद्रा जेन्युइन है। बेसिक काम होगा, अंडर बजट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा क्या काम होता है, कितना बजट रहने वाला है गाड़ी का। साथ में गाड़ी जो सिस्टम में काम हुआ इसके फ्रंट बैक कैमरे पे, जिसकी फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ रहने वाली है। ये आपका दो तरीके से यूज होगा, एक तो इसका डैश कैम, दूसरा इसका पार्किंग के लिए। फ्रंट से जो गाड़ी का काम होता है फॉगलेट और इसका डैश कैम के फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट ही की गई है। गाड़ी की लाइटें चलने वाली, उस गाड़ी का फ्रंट लुक ये रहेगा भैया, बिल्कुल बेसिक जो आता है वही रहने वाला है। अभी इसके अंदर और काम होना बाकी है, लेकिन अभी तक फॉगलेट, महिंद्रा जेन्युइन, साथ में फ्रंट कैमरा मैं आप दिखा चुका हूँ डैश कैम के लिए जो यूज़ होता है। साथ में जो गाड़ी के साइड प्रोफाइल से वर्किंग हुई थी, इसके रेन वाइजर पर रहने वाला, जो कि XUV 300 की बैजिंग मिल जाएगी आपको, महिंद्रा क्रोम लाइन रहने वाला है, प्रॉपर XUV 300, साथ में एक साइड वेडिंग रहने वाली है और एक हमारा व्हील कवर रहेगा जो कि अलॉय लुक रहेगा लेकिन आफ्टर मार्केट में आता है। साइड प्रोफाइल से कुछ गाड़ी का ये लुक रहने वाला है अगर आप देखेंगे तो। बैक साइड से जो गाड़ी में वर्किंग हुई थी भैया, इसके स्पॉइलर पर रहेगा, जो कि वेलकम ब्रांड का स्पॉइलर रहने वाला है। गाड़ी का सारी लाइटें जलेंगे, गाड़ी का बैक साइड से ये लुक रहेगा। आपके पास एक ऑप्शन था, आप टेल लाइट भी चेंज करा सकते हैं, ये भी जनरल महिंद्रा का पार्ट रहने वाला है, लेकिन भैया ने नहीं करवाया, हो सकता है नेक्स्ट ट्रिप में करवाएंगे। साथ में बैक साइड में अभी रिफ्लेक्टर की कमी खली है, वो भी लग सकती थी इसके अंदर, वो भैया ने अभी नहीं लगवाया। आगे पीछे कैमरे जो बैक कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर डैश कैम वाला काम है, जो मेन काम होता है गाड़ी के अंदर ही रहने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब भैया हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी में काम दिखेगा कि काम हुआ था। जैसे कि सबसे पहले हम गाड़ी में सीट पर वर्किंग हुई थी, महिंद्रा जेन्युइन सीट को रहने वाला, आप देख लो भैया XUV 300 की बैजिंग के साथ जस्ट ब्रांड न्यू भैया महिंद्रा जेन्युइन सीट को लगाया, साथ में इसका पीछे की सीट पर फिनिशिंग आप ये देख सकते हो। भैया सीट कटवाई नहीं है, नॉर्मल सीट को लगवाया, लेकिन इसकी फिनिशिंग भी अच्छी रहने वाली है। साथ में एक महिंद्रा जेन्युइन आमरे सामान रहेगा, पूरा पार्ट चेंज हो जाता है आपको पता भैया, यहाँ से लेके ये पूरा पैनल हमारा जो होता है वो चेंज हो जाता है, और इसकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी आती है, मतलब 6500 आपको मिल जाएगा, आप बेस टू टॉप करेंगे तो 6000 मिल जाएगा। साथ में W4 में आपको बता भैया स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते हैं, तो हमने भैया गाड़ी में जेन्युइन महिंद्रा का स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया, जो कि प्रॉपर वर्किंग रहेगा। वॉल्यूम इंक्रीज अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज म्यूट सारा काम करेगा जो करना चाहिए सिस्टम के अंदर, वो हर चीज़ काम करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज म्यूट मोड कॉलिंग बटन हर चीज़ काम करेगा। जेन्युइन महिंद्रा पार्ट रहता है ये भी हमारा। साथ में स्टीयरिंग पे रैप कर दिया, फुल ब्लैक मैंने स्टीयरिंग रैप करवाया, जिसकी फिनिशिंग अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये रहेगी भैया स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग ना, फुल ब्लैक स्टीयरिंग कवर OEM रैप। साथ में जो मेन दरवाजे पे आगे काम होता है, आगे हमने लगाया प्राइमस कॉम्प्लेंट, पीछे लगाया प्राइमस कोएक्सिल। साथ में इसके अंदर भैया इंटीरियर किट पे वर्किंग थी, जो कि पता है 7 पीस की सेट आती है, 9 पीस का सॉरी। ये आप देखेंगे AC वेंट हमारा ये रहने वाला है, यहाँ देखेंगे तो अपना सिस्टम का पैनल ये रहने वाला है, ये पूरा पार्ट चेंज होता है अपना, ये बड़े वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, 3 पार्ट्स ये हो जाते हैं, 2 AC के वेंट्स हो जाते हैं, 4 हमारे ये आ जाते हैं, तो 9 पार्ट के सेट होते हैं। साथ में हमारा ये 4 इनर हैंडल चेंज किया, ये भी मारुति जेन्युइन होगा, किसी भाई को इनर हैंडल चाहिए इसका लुक देख लो आप, बहुत अच्छा लुक आता है भैया गाड़ी के अंदर ना, इनर हैंडल चेंज हो गया, ये भी महिंद्रा जेन्युइन पार्ट रहने वाला है इनर हैंडल हमारा। साथ में गाड़ी ने भी एक 70 मैट लगा के दिया भैया को, जो कि 70 रहेगा, ईगल ब्रांड का प्रीमियम क्वालिटी का 70 रहने वाला है। जो भी काम कर रहा है हमने अच्छा काम करने की कोशिश करी है, बेसिक काम में ही अच्छा काम करने की कोशिश करी है। साथ में आप स्टीयरिंग कंट्रोल और सिस्टम की मैं बात करूँ भी, हमने इसे लगाया था ब्लॉकबस्टर का एंड्रॉइड, 4 GB रैम, 128 GB मेमोरी विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो लगाया है, इसका टच रिस्पॉन्स अगर आप चेक करें तो ये रहने वाला है, बहुत स्मूथ है। साथ में फ्रंट बैक कैमरा लगाया है, फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये रहेगा आपका फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भैया, ये रहेगा हमारा बैक कैमरे की क्वालिटी, आप देख लो। विद रिकॉर्डिंग सिस्टम रहने वाला है, रिकॉर्डिंग भी करता है, बहुत क्वालिटी वाला सिस्टम रहेगा। साथ में वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज म्यूट हर चीज़ वर्किंग रहेगा जैसे करना चाहिए गाड़ी के अंदर। बाकी सही यही सारा काम था गाड़ी के अंदर, सीट कवर मैं आपको दिखाई चुका हूँ, आमरेस दिखाई चुका हूँ, इंटीरियर किट दिखा चुका हूँ, इनर हैंडल दिखा चुका हूँ, स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, मैट्स दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं भैया के फीडबैक की तरफ, कितना खर्चा है भैया बताएंगे। साथ में आपको बता भैया W4 में हमारी जो है सेंटर लॉक नहीं आती, हमने भैया का सेंटर लॉक चाबी दोनों बना के दिया, गाड़ी लॉक करने पर गाड़ी लॉक हो जाती है, गाड़ी अनलॉक करने पर गाड़ी अनलॉक हो जाती है हमारी। साथ में भैया को एक चाबी बना के दी है फ्लिप की, जो कि टॉप मॉडल में इसकी आती है, आप देख लो ये वो भी न्यू लोगों के अंदर। अब चलते हैं हमारे भैया के फीडबैक का, जो गाड़ी का हमारे ऑनर रहेंगे भैया, क्या नाम है अपना? साहिल भैया। माइक तो थोड़ा पास आ जाओ। साहिल भैया, कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा, 2-3 दिन गाड़ी यूज भी हो गई है, क्या हो रहा है रिस्पॉन्स? मैं तो शोरूम से डायरेक्ट गाड़ी लेकर आपके पास आया था, फिर डिलीवरी ली है। कितना खर्चा आ गया?
इसमें मेरे 70-72 के आसपास आया अभी, जिसमें और काम अभी पेंडिंग है 50,000 के आसपास। लगा वर्थ लगा 70,000 का काम भैया? तक तो सारा वर्थ लगा। जो जेन्युइन चीज ढूंढे थे मिल गई थी भैया? हाँ भैया, सारी पूरा महिंद्रा का सारा जेन्युइन मिला है, और सारे बॉक्स वगैरह जो सामान वगैरह सारा टिक्की में मेरा रखा गया था। मजा आया काम में? मजा आया काम में। कपड़ा टू कपड़ा हुआ ना? कपड़ा टू कपड़ा ही हुआ ना? सारा कपड़ा टू कपड़ा हुआ, कोई तार नहीं कटी और आंखों के सामने सारा काम हुआ। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में काम कराना तो हमारे पास आ सकते हैं, कोटेशन चाहिए व्हाट्सएप पे कोटेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की वॉच कीप सब्सक्राइब।